सर, एक होता है दुआएं पढ़ना और एक होता है दुआएं मांगना। आप दुआएं पढ़ा ना करें मेरे भाई, आप दुआएं मांगा करें। और दुआएं मांगी कैसे जाती हैं, ये हमें आपको ना, जो सड़कों पे भीख मांगने वाले भिखारी होते हैं ना, जो मांगते होते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। आप देखिए ना कि उनको बेचारों को 2 रुपये का सवाल करना होता है, 5 रुपया मांगना होता है, मगर वो 2-5 के लिए ना वो अपनी हालत कैसी बना लेते हैं। वो फटे पुराने लिबास पहनते हैं, वो उनके चेहरे पर एक मजबूरी और लाचारी के आसार होते हैं, आँखों में आंसू तक होते हैं, और वो गिड़गिड़ा रहे होते हैं हमारे आपके सामने आकर के, हाथ फैलाते हैं। कभी कभार हम और आप ना उनको झिड़क भी देते हैं, डांट भी देते हैं, चल हट किसी और से जा तलब कर, मगर नहीं, वो फिर भी डटे रहते हैं, वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, वो मजबूरियां बयान करते रहते हैं, 2 रुपया दे दो साहब, 5 रुपया दे दो साहब। वो इस तरह रो गिड़गिड़ा करके ना हमसे तलब करते रहते हैं, आखिरकार हमें उन पर रहम आ ही जाता है और कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ जाता है। मेरे भाई, 2-5 रुपये के लिए वो इतना सब कुछ करते हैं, यार आप तो अल्लाह से दुनिया आखिरत की भलाई मांगने चले हो, यार आप तो अल्लाह से औलाद मांगने चले हो, आप अल्लाह से दौलत मांगने चले हो, आप अल्लाह से तरक्की मांगने चले हो, अल्लाह से प्रमोशन मांगने चले हो, मुसीबतों से छुटकारा मांगने चले हो, दुखों और आलाम से आप नजात मांगने चले हो, तो यार इतनी आसानी से तो ये चीज़ें नहीं मिला करती ना। आप अपने लहजे में पहले वो दर्द तो लाएँ, वो तड़प तो लेकर के आएँ, दुआओं में वो सोजो गुदास तो पैदा करें। यार अपने रब के सामने आप रोना सीख लीजिए, पहले गिड़गिड़ाना सीख लीजिए, अब उसकी बारगाह में अपनी मजबूरी और लाचारी और आजिज़ी पेश कीजिए। आप देखिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको क्या तालीम दी, आपने फरमाया या अय्युहन नास उबकू, लोगो अल्लाह की बारगाह में बैठ करके रोया करो, फ़इन लम तबकू फतबाकू, और अगर रो ना सको ना, आँखों से आंसू ना निकले, तो जब कभी उस करीम से कुछ मांगना हो ना, सवाल करना हो, तो यार तुम रोने जैसी सूरत ही बना लिया करो, हो सकता है तुम्हारे इस रोने जैसी सूरत पे उस करीम को रहम आ जाए और वो तुम्हें नवाज दे। तुम अपनी आजिज़ी और इनकिसारी पेश किया करो उस करीम की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जब कुछ मांगना हो ना, तो रो करके मांगा करो, तड़प और दर्द के साथ मांगा करो। याद रखे मेरे भाई ना, इस दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसे कोई हुनर नहीं आता, कोई फन नहीं आता, बस वो एक काम जानता है और वो है रोना। बच्चा रोता है और माँ समझ जाया करती है इसको क्या चाहिए। यार हमें कुछ नहीं आता मांगना ना, तो अपने करीम की बारगाह में बैठ करके मुसल्ले पे ना बस रोना शुरू कर दें, अल्लाह से गिड़गिड़ाना शुरू कर दें। वो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो खूब जानता है कि उसके बंदे को क्या चाहिए, हमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो यार उसकी बारगाह में आप रोना सीख लें मेरे भाई, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करता चला जाएगा, आपकी हर ख्वाहिश वो पूरी फरमा देगा।